Our today's topic is tracks, trails, and roads. For class 11th, and subject you already know is our geology. And the different types of preservation modes are of fossils, which we have discussed in the previous classes. Now, in this class, we will try to understand tracks, trails, and burrows. Tracks are basically fossilized footprints left in soft materials by ancient animals. When we see the example, dinosaurs left numerous footprints in ancient deposits, especially in the mud. If we see Culpeper Basin, which is an example of the tracks or footprints which were left by the thousands or hundreds or thousands of dinosaurs, it is near the Appalachian Mountains, Eastern North America. When we see what are the trails, trails are fossilized structures created by ancient animals when they are moving around on soft material. So trails are formed, or trails type of fossilized footprints or prints, we can say. They are not footprints, they are simply prints which are created by ancient animals when they try to move here and there. The materials on which they left these structures, body structures, the material were very soft material, just like the mud or fine material, semi-liquid. And when we see the examples, worms are worm-like crawling animals which have the sedimented body. They left trails in ancient deposits at that particular time on the basins. Burrows. Burrows are once hollow structures. These burrows are basically hollow structures which are created by the animals or organisms, or they are tubes which are filled with sediments that represent the boring activity of ancient animals. When we try to understand in a simple way, tracks जो होते हैं, they are fossilized footprints. जब ये हमारे जो डायनासोर्स थे, जब वो मड पे चलते थे, तो चलते चलते वो अपने फुटप्रिंट्स जो थे वो इस मड पे छोड़ देते थे। जब वो वॉक करते थे इस सॉफ्ट मटेरियल जो था वहाँ पे, एंशंट एनिमल्स जो हमारे थे, वो ट्रैक्स का मतलब है वो अपने पैरों के निशान उस नरम या फाइन मटेरियल पे, जो मड टाइप का मटेरियल था, उस पे निशान अपने पैरों के छोड़ते थे। उसकी एग्जांपल है कल्पीपर बेसिन, जो अपलाचियन माउंटेन सिस्टम्स में आता है नॉर्थ अमेरिका के साइड में। वहाँ पे तकरीबन हजारों ऐसे निशान है जो डायनासोर्स के हैं, और जिनसे हम ये पता करते हैं कि ये फॉसिल्स जो फॉसिल प्रिंट्स फॉसिलाइज्ड प्रिंट्स जो है डायनासोर्स ने कितने सालों पहले कहाँ कहाँ किस टाइप के स्ट्रक्चर्स थे इन जानवरों में, कितने साइज के बड़े जानवर थे, इन फॉसिल से पता, इन प्रिंट्स ट्रैक्स से पता चलता है। इसी तरह अब जब हम बात करेंगे ट्रायल्स की, ट्रायल्स जो है, ट्रायल्स फॉसिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो फॉसिल की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, किनके, पुराने जानवरों के जो वहां पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रॉक है, एक फॉसिल है जिसपे जानवरों के रेंगने, क्राउल करने की शक्ल,
दिखाई दे रहे जैसे जानवर, एक आ गया वो चलता गया रेंगते रेंगे क्राउल करते करते, इसी तरह से के निशान इन फॉसिल्स पे दिखाई देते हैं इन जानवरों के, जिन जानवरों ने अपने ये निशान स्पेशली सॉफ्ट मटेरियल पे, ज्यादातर ये सॉफ्ट मटेरियल पे जैसे वॉर्म्स है या वॉर्म लाइक क्रॉलिंग टाइप के जानवर, ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने निशान छोड़े, ट्रायल्स छोड़े हैं एंशिएंट डिपॉजिट्स जब थे, सॉफ्ट मटेरियल था, ट्रायल्स ऐसे निशानात है, अब हम इस तरह से समझे कि ट्रायल्स ऐसे निशानात है, फॉसिल्स है, मौजूदात है हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स के पुराने जानवरों के जिन्होंने इर्द गिर्द घूमते घूमते सॉफ्ट मटेरियल पे, जो वॉर्म लाइक या सॉफ्ट जानवर हुआ करते थे या उन्हीं क्राउलिंग टाइप के जानवर थे, उन्हीं ने जब ये निशान उन्होंने ही जब ये निशान छोड़े हैं एंशिएंट डिपॉजिट्स पे, उनको हम ट्रेल्स कहते हैं। अब रहा तीसरा पॉइंट हमारा बरोज। बरोज क्या होते हैं? बरोज ऐसे हॉलो, जैसे इन्होंने इस एक रॉक थी या एक फॉर्मेशन थी, इसमें एक सुराख सा बनाया है, अपना बरो बनाया है जहाँ से ये घुसते थे, या यहाँ से कहीं से बनाया है, ऐसे जब इसमें घुस गए तो क्या हुआ, इनके बरोज में आहिस्ता आहिस्ता सेडिमेंट्री मटेरियल, इन ट्यूब्स में, ये ट्यूब्स होते हैं जानवरों के, ट्यूब्स हॉलो ट्यूब्स, बेसिकली ऐसे हॉलो ट्यूब्स होते हैं जानवरों को, जिनमें सेडिमेंट्स चले जाते हैं, जब ये सेडिमेंट्स फिल हो जाते हैं जानवरों के शक्ल के आकार इसमें बन जाते हैं, क्योंकि जब जानवर इसमें घुस जाता है फिर घुसते घुसते अपनी वो फीचर्स, जो बॉडी फीचर्स रिप्रेजेंट करता है, उनके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आउटसाइड बॉडी को जो रिप्रेजेंट करता है फीचर, वो इस ट्यूब को खोदते खोदते वो निशान छोड़ देता है, विद द रिजल्ट ट्यूब में से जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो डिपॉजिट होने के बाद इस ट्यूब से, दिस इज अ जस्ट ट्यूब, इस ट्यूब से इस तरह के, जिस तरह के भी मतलब सेडिमेंट्री मटेरियल निकलता है, सॉलिड सेडिमेंट्री मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ होता है हजारों साल पहले, उसको हम ब्रो कहते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ग्रोइंग एक्टिविटी, क्योंकि ब्रो करते करते जानवर अपने बॉडी के निशाना फीचर्स इस ब्रो में, इस हॉलो जो ये ट्यूब होता है इसमें अपना निशान छोड़ देता है। इससे हमें पता चलता है कि ये निशान किस जानवर का था। ऑलमोस्ट इट हैज बीन सीन दैट मोस्ट ऑफ दीज हॉलो ट्यूब्स हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स विच हैव द सेगमेंटेड बॉडी। इट हैव बीन सीन इन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो दैट दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच शो द ग्रोइंग एक्टिविटी वेयर दे वुड हैव द सेगमेंटेड बॉडी। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द ट्रैक्स, ट्रेल्स एंड बारोज टाइप ऑफ मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन और फॉसिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स। सो विद दिस वी हैव कवर ऑलमोस्ट 70% ऑफ these modes of preservation methods of these fossils. In next class we will continue modes of preservation of fossils for this class 11.